डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू है और मैं झारखंड के बटुआ गांव का रहने वाला हूं। कहां से शुरुआत करूं अपनी कहानी की? परेशानियां तो जिंदगी में घिरी पड़ी हैं, इसलिए कहानी की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है मुझे। शुरू से शुरू करता हूं। बचपन से ही मेरी ज़िंदगी जैसे अंधेरे में बीती है। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाया करता था, बहुत ज़्यादा पिटाई खाया करता था, इसी के साथ डांट भी बहुत पड़ती थी। टीचर कहा करते थे ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पिटाई मेरी ज़्यादा हुआ करती थी। इसका कारण था मेरा जुड़वा भाई बिट्टू। बहुत ज़्यादा शरारते करता था, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो जो भी करता, क्योंकि हम शक्ल थे, पिटाई मेरी होती, वो मुकर जाता। हम एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और वो कहने लगता कि मैं गुड्डू हूँ और पिटाई मेरी हो जाती। इसके बाद वो किसी बच्चे को पीट कर आ जाता, नाम मेरा लग जाता। और मैंने भी कभी कभी इसका फ़ायदा उठाया। जब घर में कोई चीज़ टूट जाए, मैं मुकर जाया करता था, मैं तो बिट्टू हूँ, गुड्डू ने तोड़ा है, पीटो गुड्डू को पापा जी। तो बिट्टू की पिटाई गुड्डू समझ कर हुआ करती थी। बचपन से ही हम में जैसे दोस्ती कम लड़ाई ज़्यादा हुई। शायद जुड़वा भाइयों में ऐसा ही होता है। लेकिन आप भले ही अपनी दुश्मनी कितनी भी बढ़ा ले, मुसीबत दो भाइयों को एक कर देती है। हमें भी एक तब कर दिया था जब हमारे पिता 2 सालों तक मुश्किलों में घिर गए थे। इन इलाकों में बारिश कम ही होती है और हमारे पिता एक किसान हैं। बारिश कम हुई तो फसल भी कम लगी, कर्ज उठाया हुआ था और कर्ज वापस करने में मुश्किल होने लगी। घर में सिर्फ 2 समय का खाना खाया करते थे हम। इस तरह घर का गुजारा मुश्किल से हुआ। लेकिन हमारे घर में इससे भी ज़्यादा परेशानियाँ थी चोरी की। जब से हमने ये नया घर खरीदा था, तब से ही यहाँ कई बार चीज़ें गायब हो जाती। कभी माँ के झुमके गायब हो जाते, तो कभी चांदी के वो छोटे छोटे कंगन गायब हो जाते, कभी मेरी अंगूठी गायब हो जाती, तो कभी पैसे गायब हो जाते। हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, कोई घर के अंदर इस तरह पैसे चुरा कर कैसे चला जाता है। माँ की चीज़ें गायब होती थी, अब माँ थोड़े ना चोरी कर सकती थी। पिता ने नहीं किए होते थे, इसीलिए वो हमारी पिटाई किया करते। उन्हें समझ में नहीं आता हम दोनों में से कौन चुराता था, लेकिन पिटाई हमारी पूरी किया करते। मैं जानता हूँ, भले ही मेरे भाई से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकता। जब मेरे पिता थके हारे घर आया करते थे ना, वो एक कोने में बैठकर रोया करता था हमारी गरीबी पर। वो कैसे चोरी कर सकता है? हमेशा मेरे साथ रहता है, वो चोरी नहीं कर सकता। कोई और था जो हमारे घर की चीज़ों को चुराया करता था, लेकिन कभी हम ढूंढ नहीं पाए वो चीज़ें कहाँ गई, कहाँ ले गया वो चोर। बंद घर के अंदर से चीज़ें चुराई जाती थी और हमारी समझ में कुछ नहीं आता। पिछले 7 सालों से जब से हमने यह घर लिया है, चीज़ें चोरी होती जा रही हैं। लेकिन मुसीबत तब टलना शुरू हो गई जब मैं अपने भाई के साथ मिलकर काम करना शुरू कर चुका था। हमने ये समझ लिया था किसानी में ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा खेत नहीं हुआ करते थे। पिता खेती किया करते थे और हम जंगलों में जाकर ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढा करते जिससे लोगों का इलाज किया जा सके। उसके बाद आसपास के गांव में लोगों ने कुछ मसाले वाले वो बीज उगाए हुए होते, हम उससे मसाले बनाना शुरू कर चुके थे। हमने मसाले बनाने शुरू किए, हमारे मसाले लोगों को पसंद ही बहुत ज़्यादा आने लगे। शहरों से हम रॉ मटेरियल लेकर आते, उसे घर में चक्की में पीसते और उसके बाद डिब्बियों में भर देते, अपनी पसंद वाला मसाला बनाते, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। हमने शहरों में बेचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने गालियाँ बहुत निकाली। MDH का मसाला इतना अच्छा है तो तुम्हारा देसी मसाला क्यों खरीदे,
ये कहकर हमें शहरों से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन गांव में लोग इस मसाले को बहुत पसंद करते। देसी मसाला हम आसपास के गांव में बेचने लगे थे ये मसाला, और तब से घर की हालत सुधरनी शुरू हो गई। भर भर कर मसाले बनाते हम, भर भर कर मसाले बेचते। इस तरह हमारी उम्र 28 साल हो गई थी, और अब हमारे माता पिता को लगने लगा था कि इन्होंने पैसे भी ठीक ठाक कमा लिए हैं, घर का गुजारा भी अच्छा होने लगा है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी कंधों पर बच्चों की डाल देनी चाहिए, इनकी शादी कर देनी चाहिए। और तब मुसीबतें बढ़ना शुरू हो गई थी। बचपन से हमारे पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारी जन्म कुंडली भी उन्होंने बनवाई नहीं थी। अब बनवाई तो ज्योतिष ने कह दिया इन पर तो सर्पदोष है, और ये सर्पदोष 2 सालों तक रहेगा। 2 साल पहले जब उस ज्योतिष ने हमारी ये कुंडली बनाई थी, हम दोनों में सर्पदोष डाल दिया था उसने, और कहा था 2 सालों तक रहेगा। अब 2 साल हो गए, दोबारा उस ज्योतिष के पास गए, वो कहने लगा अब नागदोष है। हम ये समझ नहीं पा रहे थे सर्पदोष यानी कि नागदोष तो खत्म हो गया। मैं गुस्से में उसके पास गया था और कहने लगा था आपने कहा था 2 साल बाद सर्पदोष खत्म हो जाएगा। उसने कहा हाँ खत्म हो गया ना सर्पदोष, पिछले महीने सर्पदोष खत्म हो गया, अब नागदोष शुरू हो गया। मैं उससे लड़ने लगा था आखिर ये कैसे हो सकता है, नाग सर्प एक ही होते हैं। उसने कहा ना ये गलती मत करना, सर्प वो होता है जो जमीन पर रहता है, नाग वो होता है जिसका फन निकलता है। अब उस नाग ने फन फैला दिया है, अब और मुश्किल समय है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, अब अगले 5 सालों तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, उसके बाद काल सर्पदोष होगा, वो सर्पदोष से भी ज़्यादा खतरनाक दोष होता है, मान लो बूढ़े हो जाओगे शादी नहीं होगी तुम्हारी। अब ये सुनकर मैं रोता रोता घर आया था, लेकिन मेरा भाई बिट्टू कहने लगा था कोई बात नहीं, जो लड़कियाँ होती हैं मुसीबत लेकर आती हैं, हम दोनों शादी नहीं करेंगे, अब अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हैं, घर में मस्ती से खाया पिया करेंगे, और मैं सोचता हूँ शराब पीना शुरू कर देते हैं, जो भी अमीर हो जाते हैं सुना है शराब बहुत पीते हैं, हमने तो अब तक हाथ तक नहीं लगाया, पिए शराब आज शाम। मैंने उसकी बहुत पिटाई की थी, मैं कोई और चीज़ बताना चाहता था और वो बातों को कहीं और ले जाता। मेरा भाई बिट्टू ऐसा ही है, हम दोनों एक साथ रहने लगे हैं, जो दुश्मनी बचपन में हुआ करती थी वो अब दोस्ती में बदल चुकी है, क्योंकि मुसीबतें भी दोनों के सर पर एक जैसी हैं। लेकिन मेरे लिए एक मुसीबत की बात थी, हमारे गांव की एक लड़की जनिया जब भी भैंसिया चराने के लिए जाती, मुझे जैसे उसे देखने में बहुत मज़ा आता, मैं उससे प्यार करने लगा था। भैंसिया चराते चराते उसकी कब शादी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब उसकी डोली जा रही थी मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मुझे लगा मेरी शादी कभी होगी ही नहीं, और फिर मेरी नज़र बिट्टू की तरफ पड़ी, मेरी हंसी निकल गई, इसकी कौन सी हो जाएगी, मेरी नहीं हो सकती तो इसकी भी कभी नहीं हो सकती, हम दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे की नकल निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं है जो दोनों में से किसी को भी पसंद करे, आखिर दोनों में किसी एक का घर तो बस जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। अब हमें मसालों में ज़्यादा ध्यान लगाना होगा, ये कह दिया था उस दिन से मैंने अपने भाई बिट्टू को। गांव में बिट्टू गुड्डू हो गई थे, क्योंकि हम मसाले जी जान लगाकर बेचा करते थे, नए नए गांव को ढूंढना शुरू कर दिया था। हमने सोचा था एक दिन मसाले वाले वो MDH वाले दादाजी से आगे निकल कर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत तो बहुत नीचे से करनी होगी ना, आसपास के गांव में जाकर मसाले बेचने में कुछ परेशानी होती, गर्मी लगती, लेकिन फिर भी काम बढ़ता जा रहा था। अब मेरे भाई बिट्टू ने एक समझदारी वाली बात की, हम पुराने गांव में जाकर मसाले बेच कर आते हैं, वहां के लोगों को तो पसंद आ रहे हैं, अब हमें नए गांव में जाना चाहिए, दूर वाले गांव, झारखंड में जो बिल्कुल बिहार के साथ लगते गाँव है ना, वहाँ लोगों को ये मसाले बहुत पसंद आएंगे, बहुत सस्ते हैं तो ये मसाले वो खरीदेंगे। मैंने अपने भाई के मुंह से पहली बार कोई काम की बात सुनी थी, ये बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद वो मसालों का झोला उठाकर हम उन नए गांव की तरफ बढ़ चले। बस के सहारे वहां पहुंचने में कुछ परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी उस गांव में उतरकर हमें पैसे दिख रहे थे। यहां कई लोगों के घर काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए थे, कुछ लोगों के झोंपड़े जैसे भी बने हुए थे।
चलो जिनके बड़े घर हैं पहले उन घरों में जाते हैं। जैसे ही हम पहले कुछ घरों में गए वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, हर घर में ताला लगा हुआ। ये देखकर हम काफी ज्यादा आगे बढ़ते गए और वहां ताले ही ताले मिलते गए। कोई भी नहीं था कुत्ते और बिल्लियों के सिवा, और वो कुत्ते इस तरह हमें झोला उठाए देख हमारे पीछे भागने लगते। मसालों के वो छोटे छोटे पैकेट गिरते, लेकिन किसी कुत्ते को वो पैकेट हाथ नहीं लगाने दिया हमने। भले ही अपनी टांगों में दांत गड़वा लिए, लेकिन मसाले उठाकर दोबारा झोले में डाल लेते हम। वो कुत्तों का झुंड हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए उस गांव के पीछे वाले लोग भागकर हमारे पास आए। बड़ी बड़ी ईंटों से उन कुत्तों को भगाया, फिर हमें पानी पिलाया और हमारी कुछ पट्टियां की। फिर हम पूछ रहे थे, वो आगे वाले गांव में तो कोई है ही नहीं, बड़े बड़े घरों के आगे ताले लगे हुए हैं, क्या विदेशों में चले गए? उन्होंने कहा, नहीं विदेशों में नहीं गए, एक बाबा जो गांव के पीछे अपनी एक बड़ी सी झोंपड़ी बनाकर रहना शुरू कर चुके हैं उनके पास गए। कहते हैं कि वो भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी रखते हैं। हिमालय में 10 साल योग करके आए हैं, इसलिए उनमें कुछ शक्तियां हैं, वो चेहरा पढ़ लेते हैं। ये सुनकर मैंने अपने भाई की तरफ देखा, मेरा भाई भी शायद वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था। मैंने बिट्टू की तरफ इशारा किया, चले बाबा के पास, हमारा काम बन सकता है। और बिट्टू ने भी छलांग लगाकर कहा, बिल्कुल काम बन सकता है, बाबा को मसाले बेचकर आते हैं। मुझे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर मैंने उसके एक चमाट लगाई और कहा, अबे पागल है, जो बाबा भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी रखता है उससे मसाले थोड़ी ना कहेंगे कि खरीदो, वो हमारा बड़ा काम कर सकता है। तब मेरा भाई बिट्टू मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, अब समझ में आया, वो भविष्य काल देख सकता है। मैंने कहा, हाँ उससे काम की बात की जा सकती है। उसने कहा, बिल्कुल, किस गांव में कितने मसाले बिकेंगे, वाह पहले ही पता कर लेंगे। अब मुझे अपने भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्या सच में वो मेरा भाई था, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा था। मैंने उसके पेट में एक मुक्का मारा, अब उसकी सांस फूलने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा, हमें इतनी परेशानी है, हमारी शादी नहीं हो रही, तो उससे ये पूछते हैं ना शादी कब होगी, हमारी जो किस्मत की लड़कियां हैं वो कहाँ हैं, हम जल्दी उनके पास चलते हैं। तब वो कहने लगा था, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमारी परेशानी तो इसलिए ये है, मैं तो बेवजह मसालों के पीछे पड़ा था। ये कहने के बाद हम उस बाबा की तरफ निकल पड़े, लेकिन उस जगह पहुंचने के बाद पता चला उस बाबा ने झोंपड़े के इर्द गिर्द बड़ा सा बाड़ा बना रखा था, और जो भी उस बाड़े के करीब जाता बाबा अंदर से पत्थर मारता। बाबा इतनी जोर से पत्थर मारता कि वहां के जमींदारों के सर फटे हुए थे, पट्टियां बांध बांध आंटियां घूम रही थी, वो पत्थर खाकर भी बेशर्मों की तरह उस बाबा को परेशान किए जा रहे थे। अब मुझे लगा हमारा काम नहीं बनने वाला, वो बाबा तो सबको भगा रहा है कि उसे लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसे बाबा जो हिमालय से आए हैं वो अकेले रहना पसंद करेंगे ना, इस तरह भीड़ के बीच लोगों को ज्ञान थोड़े ना देंगे। फिर मैंने बिट्टू को कहा, बिट्टू कुछ कर सकता है क्या, उस बाबा से मिलवा सकता है? बिट्टू ने हामी भर दी, मुझे पता है दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है बिट्टू, कई बार ऐसी बेवकूफियां करता है कि लोग उस पर हंसते हैं, कोई भी समझदार ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। आज वो पत्थर खाने के लिए आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन वो कई खेल खेल चुका था, कबड्डी उसे आती थी, फुटबॉल उसे आता था, क्रिकेट में वो चैंपियन था। वो बाबा जितनी भी तेजी से घुमाकर पत्थर मारता हर बार वो नीचे होकर बच जाता। इस तरह से बाबा और उसमें एक खेल चल पड़ा था, बाबा पत्थर मारता वो नीचे होकर झुक जाता और बच जाता। इस तरह बचता बचता वो बाबा के पास पहुंच गया था, और पत्थर मार मार बाबा भी थक चुका था। उसके बाद बिट्टू ने उससे कहा, बाबा जी थक गए होंगे, हमारे पास कुछ खाने के लिए है, आप खाना चाहेंगे? खा लीजिए, बाद में पत्थर मारने वाली गेम खेलते हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद बाबा बिल्कुल शांत हो गए थे। बाबा ने उस कुटिया के अंदर बिट्टू को बुलाया था, और बिट्टू ने मेरी तरफ भी इशारा कर दिया। अब मेरे पीछे पीछे गांव वाले भी आने लगे, दूर से बाबा ने घुमाकर जो पत्थर मारा गांव वाले दूर दूर भाग गए। अब मैं और बिट्टू उस कुटिया के अंदर थे,
और वो बाबा हमें झोंपड़े के भी अंदर ले गए। उसके बाद वो बाबा बिट्टू का खाना खा रहे थे और थोड़ा थोड़ा निराश भी थे। वो अब अपनी कहानी सुनाने लगे। मैं यहाँ पर आया था कि आगे की ज़िंदगी में लोगों का कुछ भला कर पाऊँ। बहुत समय तक मैंने काफ़ी ज्ञान पाया, मैंने अपने अंदर की उन बुराइयों को निकाला, लेकिन इस तरह यहाँ अकेलेपन को मैं ढूंढ ही नहीं सकता था। यहाँ पर लोग पीछे पीछे आने लगते हैं। मैं जानता हूँ मैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को देख सकता हूँ, लेकिन हर किसी को वो ज्ञान नहीं दे सकता। हमें भविष्य का पता हो तो हम विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं, इसीलिए मैं किसी का भविष्यकाल नहीं बता सकता। यहाँ जितने लोग हैं ना, सारे लालची हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं। अपने मतलब के सिवा कोई भी मेरे करीब नहीं आता। किसी एक ने भी खाना नहीं पूछा, बस अपने काम करवाने के लिए आ रहे थे कि भगवान से कुछ मिल जाए। किसी को बच्चा चाहिए था, किसी को पैसा चाहिए था, लेकिन किसी को भी शांति नहीं चाहिए थी। मैं ज्ञान पा चुका हूँ शांति का, शांति के सिवा मैं कुछ नहीं बता सकता। बिट्टू और मैं उसकी बातें सुने जा रहे थे। जब उस बाबा ने खाना खा लिया, उसके बाद बिट्टू कहने लगा, वैसे काम तो हम भी अपना करवाने के लिए आए हैं, वैसे छोटी सी बात है, अगर आप वो बता देते तो हमारा काम बन जाता। वो बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे थे, दोनों का भविष्य देख चुका हूँ, दोनों का भूतकाल देख चुका हूँ, जानता हूँ दोनों जुड़वा कैसे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा चुके हो। भविष्य में शादी किससे होगी वो जानना चाहते हो, और मैं तुम्हें अंदर इसीलिए बुला पाया हूँ क्योंकि मैं भी एक ज़रिया ही हूँ। मेरे बिना तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो कौन सी लड़कियाँ लिखी हैं। मैं भगवान की रचना में चीटिंग नहीं करता। ये सारे लोग चीटिंग के लिए मेरे पास आ रहे थे कि किसी को पैसा दे दूं, किसी की बीमारी ठीक कर दूं। खुद दारू पी पी कर इन्होंने किडनी ख़राब की है और मुझसे चाहते हैं किडनी ठीक कर दूं। ये सिगरेट पी पी कर वो फूफा जी जो पीछे बैठे हैं, उन्होंने अपने फेफड़े ख़राब कर रखे हैं। बीड़ी फूंकते हैं दिन में 2 डिब्बियाँ, फिर भी चाहते हैं कि बाबा जी ठीक कर दें। अब बाबा जी ठीक क्यों करेंगे, खुद बीड़ी पी है ना, तो खुद ही मरेंगे। लेकिन तुम्हारी नियति में मेरा नाम है, यानी कि तुम उन लड़कियों को मेरे सिवा ढूंढ ही नहीं पाओगे। तुम्हारी किस्मत में मेरा छोटा सा रोल है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया। ये मत सोचना कि खाना खाने के लिए बुलाया। जब तुम बहुत गरीब थे ना, तुम्हारा चेहरा पड़ा था, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य पड़ा था। मैं एक पल के लिए थोड़ा सहज सा हो गया था। उसके बाद अब तुम्हें वो जानकारी दूंगा जो तुम ढूंढने के लिए आए हो। मुझे ये तक पता है वो चोर कौन है जो घर में चीज़ें चुरा लेता है। कितना धन चुराया है तुम्हारा, तुम अब भी गरीब हो। काश वो धन तुम्हारे पास होता तो तुम अमीर होते। बिट्टू तो बाबा जी के पाँव में पड़ गया था। अरे बाबा जी, आप तो सब जानते हैं, हम तो सबको पाखंडी समझते थे, और उस ज्योतिष ने कहा है कि हमारे ऊपर। ये लाइन काटते हुए बाबा बोले थे, नाग दोष ना, काल सर्प दोष आगे जाकर आएगा। हंसते हुए बाबा ने कहा था, वो ज्योतिष झूठा है, तुम किसी सच्चे ज्योतिष के पास गए ही नहीं। तुम्हारे गांव में जो ज्योतिष बना घूम रहा है ना, वो एक पाखंडी है, उसने धर्मशास्त्र पढ़ा ही नहीं, उसे ज्योतिष विद्या आती ही नहीं। वो तो पैसे कमाने के लिए तुम्हारे गांव में आ गया था। तुम्हारे सारे गाँव के लोग बेवकूफ़ थे, वो बेवजह उसके पास जाने लगे। एक बार एक सवाल तक नहीं पूछा कि उसे कोई ज्ञान है भी या नहीं, बस बिना सोचे उसके पास जाकर हाथ दिखाना शुरू कर दिया। उसने कभी ज्योतिष विद्या सीखी तक नहीं, इसीलिए बहाने लगा लगा कर सबको लूटा करता था, डराया करता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और निवारण के लिए पैसे मांगता था। तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया। कोई नाग दोष, कोई सर्प दोष नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी किस्मत सबसे अजीब है। 2 जुड़वा जिनके शरीर पर निशान भी एक जैसे, हाव भाव भी एक जैसे, तुम खास मकसद के लिए आए हो, और तुम्हारे दोनों की जो जीवन साथी है ना, वो तो सबसे कमाल है। खुद जाना होगा वहाँ पर अपने लिए जीवन साथी को ढूंढने के लिए। 2 प्रेमिकाएं मिलेंगी तुम्हें, और 2 प्रेमिकाएं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हुई हैं, किसी और को वो मिल नहीं सकती, सिर्फ तुम्हारी हैं। मानोगे मेरी बात?
जा सकते हो वहाँ, खतरा इतना ज़्यादा है कि मरने के चांस भी हैं। गलती हुई तो तुम्हें मौत नसीब होगी और मैं तुम्हें भविष्य बता नहीं सकता। भविष्य बताने पर तुम भविष्यकाल की चीज़ों को, घटनाओं को बदल सकते हो और इससे मैं भी परेशानी में आ सकता हूँ। इसीलिए मैं उतनी ही जानकारी देता हूँ जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं एक जगह बताऊँगा, वहाँ तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी मिलेंगी। अब तुम पर निर्भर है, जाना चाहोगे इतना खतरा उठाकर जहाँ जान भी जा सकती है। मैं बोलने में संकोच कर रहा था लेकिन बिट्टू झट से बोल पड़ा, जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, वादा करते हैं वहाँ पर हम जाएंगे। हाँ बताइए तो सही। तब उस बाबा ने बोलना शुरू कर दिया, यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ बिहार और नेपाल की सरहद के बिल्कुल करीब, वहाँ पर एक ऐसा गांव बना हुआ है जिसे कहा जाता है भूतिया गांव। वहाँ तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर सिर्फ 2 लड़कियाँ असली हैं, बाकी सब लड़कियाँ प्रेतनियाँ, चुड़ैल, यक्षिणी, ऐसी खतरनाक से खतरनाक है। जो 2 असली लड़कियां हैं उनसे तुम्हारी शादी होगी, बाकी सब तुम्हारी सालियां बनेंगी, लेकिन सालियां बनने से पहले तुम्हारी दुश्मन। अब उस गांव में जाकर उन लड़कियों को मनाना शादी के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम है। वो पिशाचिनियाँ, चुड़ैलें उन्हें गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, उनके दिमाग को बंद करके रखा है ताकि अपनी शक्ति वो उनके साथ जोड़े रखें। तुम्हें वहाँ जाकर सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। चाहोगे जाना? मैं बताता हूँ वो कैसी जगह है, कहाँ से जाना है, कैसा रास्ता है। बिट्टू ने हामी भर दी और नक्शा भी बनवा लिया। अब उस नक्शे को लेकर हम उस भूतिया गाँव की तरफ बढ़ रहे थे। सिर्फ एक शर्त थी, 8 बजे से 12 बजे। इस समय में एक ऐसे जंगली इलाके से गुजरना है जहां हमें अलग एहसास होगा। यही सरहद पार करके हम उस गांव को ढूंढ सकते हैं। दिन की रोशनी में कोई भी उस गांव तक पहुंच नहीं सकता। हमारी इस दुनिया के बीच में ही भूतिया दुनिया में बसा हुआ वो गांव जहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। ये सुनकर बिट्टू छलांगे लगा रहा था। वो कहे जा रहा था, कोई बात नहीं, लड़कियां तो आसानी से दिख जाएंगी ना, अब भूतनी और लड़की में बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है। लड़कियां तो सुंदर होती हैं ना, और भूतनियां डरावनी। हम जो सुंदर होंगी ना उन्हें ढूंढेंगे और प्रेम के जाल में फंसा लेंगे। बैग भरा है मसालों का और लड़कियां कहते हैं भुक्खड़ होती हैं, चटोरी होती हैं, मसाले से बना बना कर जो गोलगप्पे खिलाएंगे ना भागी भागी आएंगी। भूतों प्रेतों की दुनिया में जाना था तो हमें तैयारी करके जाना था। मैं और बिट्टू तैयारी करने में लग गए। अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढ कर लाना था तो जिंदगी की अपनी वो कमाई को लगाने को भी तैयार हो गए थे हम। इसके बाद सामान इकट्ठा किया हमने, तरह तरह का सामान मैं लेकर आया था, तरह तरह का सामान बिट्टू लेकर आया था। हम दोनों बैग भर कर एक जगह इकट्ठा हो गए और अब उस जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। वक्त रात के 8 बजे का था। 12 बजे तक हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। वो चमचमाती जगह आई ही नहीं जहाँ नदी के बीच में वो उड़ती हुई मछलियाँ दिखती हैं। नदी के बीच चमकती हुई जैसे रेडियम वाली मछली हो, LED बल्ब लगा हो उनके अंदर, ऐसी मछलियाँ क्या दिखती, हमें तो नदी ही नहीं मिली। गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े, लेकिन अचानक ही सामने पेड़ों में रोशनी दिखना शुरू हो गई। वहाँ पेड़ अजीब से थे, वो लहरा रहे थे। इसके बाद आंधी चलने लगी थी। आंधी ऐसी चली कि बारिश तेज होने लगी। उस तेज बारिश में हम भीगते जा रहे थे और भीगते भीगते एक नदी के पास पहुँचे। बारिश की बूंदें ऐसे पड़ रही थी जैसे हमें पता ही ना चल पा रहा हो जाना किस दिशा में है। लेकिन नदी के अंदर चमचमाती मछलियों ने बयां कर दिया, सही जगह पर है। उस नदी के ऊपर बना हुआ जड़ों से वो पुल, अभी छोटा सा पुल था वो, उसे पार करके हम उन भूतों की दुनिया में जाने वाले थे। जैसे ही पुल को पार किया हमने, पीछे जैसे हर चीज गायब हो गई। अंधेरा हो गया था अचानक इतना ज्यादा, कुछ दिख ना रहा हो, बस आगे वाले ही वो पेड़ दिख रहे थे और रोशनी काफी ज्यादा, जैसे दिन हो गया हो।
ऐसा लग रहा था दुनिया बदल गई हो और वहाँ लड़कियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। जिस तरह से लड़कियों के कॉलेज में बातें करने की आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर भी वैसे आवाज़ें आ रही थी। कहीं हम किसी गर्ल्स हॉस्टल के पास तो नहीं पहुँच गए? एक पेड़ के पीछे से सर निकाल कर देखा था, आगे खूबसूरत लड़कियाँ। वो 5-6 खूबसूरत लड़कियाँ थीं जिन्होंने अपने पैर नदी में डाल रखे थे और पीछे पत्थर पर बैठी अपने पाँव को साफ कर रही थी। उन्हें देखकर बिट्टू की आंखें चमक गई। असली लड़कियाँ, असली लड़कियाँ, चुनाव करो इनमें से दो का, एक तुम्हारी एक मेरी, हम दोनों प्रेमिकाएँ बनाएंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। वो लाल वाली मेरी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं सच में देखकर हैरान था। उस बाबा ने कहा था यहाँ सिर्फ दो लड़कियाँ हैं, बाकी सब प्रेतनियाँ, चुड़ैले, डायन, यक्षिणियाँ, और हमें जो दो सही ढूंढनी है उसमें ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन बिट्टू को कौन समझाता, छलांगे लगाता हुआ जैसे हवा में उड़ रहा हो, लगाता लगाता छलांगे वो उनके करीब पहुँच गया और पास जाकर कहने लगा, ओ जलपरी जैसी लड़की, इश्क हो गया है तुझसे, ओ लाल कपड़ों वाली बाहर तो आ। और बाकी चार लड़कियां शर्माने लगी थी और शर्माते शर्माते कहने लगी थी, तेरा तो प्रेमी आया है, वाह तेरी तो किस्मत खुल गई, तुझे ढूंढते हुए तेरा प्रेमी आ गया, उसे पता होगा यहाँ लड़कियां ही लड़कियां दिखती हैं, ज़रा चेहरा दिखाए इसे, मिलकर आ। जैसे ही उस लाल कपड़े वाली ने अपने पाँव नदी से निकाले, उल्टे पाँव थे उसके, उल्टे पाँव नदी से निकाले और हंसते हुए कहने लगी, ओ मेरे आशिक आजा आजा, तुझसे प्यार करना है, तेरी हड्डियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, एक्सरे वाली नाखों से मैं अंदर तक देख पा रही हूँ। बिट्टू घबरा चुका था और भागता हुआ मेरे पास आया। अरे ये तो प्रेतनियाँ हैं, उल्टे पैरों वाली, चुड़ैले, पिछल पैरी, पता नहीं क्या है, चेहरे तो बड़े सुंदर हैं लेकिन इतने भद्दे पैर, अरे उल्टे पैरों से भागती कैसे होगी। उसने ये कहा था और उसने भाग कर दिखाया। इस तरह से भाग कर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी जैसे सुपरमैन की शक्तियाँ उसी के अंदर आ गई हों। सामने खड़े होकर वो हंसने लगी। जैसे जैसे वो हंसती गई उसकी आंखें बड़ी होती गई, उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आई थी। जब वो हंस रही थी फटा हुआ पड़ा सा मुँह और अंदर एक भी दांत नहीं। इस तरह वो हमें डराने लगी थी कि मैं तो बुरी तरह से कांप गया था। लेकिन तभी बिट्टू मेरे पीछे से निकला और उसके सामने खड़ा हो गया। अब तुझे मैंने छेड़ा है, देख मेरे भाई को कुछ मत करना, तू मुकाबला करना चाहती है तो मेरा कर। इसके बाद उस प्रेतनी ने कहा था, ठीक है छेड़ा भी तूने है, शिकार भी तेरा करूँगी, इसे जाने देती हूँ लेकिन मेरी बहनें नहीं जाने देंगी, तू मेरा शिकार। अब बताती हूँ, जैसे ही उसने बिट्टू के ऊपर छलांग लगाई थी बिट्टू ने अपनी शर्ट के अंदर से कुछ निकाला। अब वो प्रेतनी खुद रुक गई देखने के लिए, आखिर वो किस चीज़ से हमला करने वाला है। वो प्रेतनी एक पल के लिए डर सी गई थी, उसे पता था उसकी कोई कमज़ोरी है और अगर वो कमज़ोरी बिट्टू को पता हुई तो प्रेतनी ख़त्म हो जाएगी। उसकी आंखों में डर देखा था मैंने। प्रेतनी घबरा कर वहीं खड़ी हो गई और बिट्टू ने अपनी शर्ट के अंदर से जो निकाला मुझे बताने में भी शर्मा रही है। उसने मंगलसूत्र पहन रखा था। अब उस मंगलसूत्र की तरफ मैं भी देखे जा रहा था, वो प्रेतनी भी देखे जा रही थी और प्रेतनी कुछ समय चुप रही और बिट्टू वो मंगलसूत्र उसे दिखाता रहा और ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसता जा रहा था। इसके बाद उस प्रेतनी ने कहा, यह क्या चीज़ है, तू हंस क्यों रहा है। तो बिट्टू एकदम शांत होकर कहने लगा, तू डर गई ना इससे, मैं खास तौर पर ये लेकर आया हूँ, एक सुहागन का मंगलसूत्र जो मैंने गले में डाला हुआ है। मैंने सुना है सुहागन की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं भी एक सुहागन की तरह मंगलसूत्र डालकर तुझे मारूंगा, मुझे पता है भूतों से मुकाबला कैसे किया जाता है। अब वो प्रेतनी ऐसी हैरान नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी कि मैं शर्मिंदा होकर उससे नज़रें मिला नहीं पा रहा था। कुछ समय वो चुप रही, फिर पीछे खड़ी वो प्रेतनियाँ हंसने लगी। वो इतनी ज़ोर से हंसने लगी कि हम और ज़्यादा शर्मिंदा होने लगे थे। बिट्टू भी हैरान सा हो गया था। फिर उस प्रेतनी ने कहा,
कमाल है, पहली बार सुहागन मर्द देखा है जो मंगलसूत्र डालकर आया है और एक प्रेतनी को मारने के लिए मंगलसूत्र का इस्तेमाल कर रहा है। वाह, कितनी उच्च कोटि की विद्या सीख कर आए हो। इससे पहले ऐसी विद्या से मुझे काबू करने की कोशिश किसी ने नहीं की। मैं खुद देखना चाहती हूँ मंगल सूत्र से मुझे कैसे मारोगे। अब बिट्टू को भी लगने लगा था गलती उसने कर दी है। वो तो हंस रही है, मंगल सूत्र में तो कोई शक्ति नहीं निकली। फिर उसने वो मंगल सूत्र उतारा और उसकी तरफ फेंका। वो उसके माथे पर जाकर टकराया था और उसके बाद नीचे गिर गया। फिर वो कहने लगी, लो कुछ नहीं हुआ, कर लिया जो करना था, अब मैं करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। उस प्रेतनी ने जल्दी से बिट्टू का गला पकड़ लिया था और जैसे ही बिट्टू का गला पकड़ा, बिट्टू ने एक हाथ से अपना गला बचाना शुरू कर दिया और दूसरा हाथ उस झोले में डाला और उसके अंदर से जो निकाला, मैं फिर से शर्मिंदा हो गया था। उसने एक राखी निकाली और जल्दी से उस प्रेतनी की कलाई पर बांध दी। इसके बाद वो प्रेतनी पहले तो डर गई, आखिर कोई जादुई तावीज़ तो नहीं जो उसकी कलाई पर बांध दिया है। वो डर कर पीछे हो गई। फिर बिट्टू कहने लगा, देखो एक राखी में शक्ति होती है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन यहाँ माहौल बदला बदला सा है। मैं राखी तुम्हारी कलाई पर बांध चुका हूँ, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। कुछ समय तो वो बिल्कुल चुप हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसने जो लपाटे लगाए बिट्टू के चेहरे पर, बिट्टू रोता रोता मेरे पास आ गया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और कहे जा रही, मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ और तुम पागल समझ भी नहीं रहे। अब ये मंगल सूत्र राखी एक प्रेतनी का मुकाबला इससे कर रहा है। कौन सी दुनिया से आए हो? क्या तुम पैदा हुए थे या उगाए गए थे? क्या हो तुम, इंसान ही हो? मैं अपनी तरफ देखने लगा और मुझे पता नहीं था ये शर्मिंदगी वाली बात है। मैंने कहा, पैदा हुए थे, इंसान हैं हम, तुम्हें यहाँ क्या एलियन भी मिलते हैं जो उगाए जाते हैं? वो प्रेतनी अपने बालों को खींचने लगी थी और उसके बाद उसने कहा था, मैं ऐसे इंसानों से मुकाबला कैसे करूं, ऐसे इंसानों को डरा भी नहीं सकती। क्या हो तुम, कहाँ से आए हो? नदी के उस पार से आए हो या कहीं नरक स्वर्ग को इस तरह फाड़ कर निकल कर आए हो? तभी उसके पीछे खड़ी वो प्रेतनियां इकट्ठा हो गई थी, उल्टे पैरों वाली वो 5 से 6 प्रेतनियां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो गई और वो कहे जा रही, अब नहीं बचने वाले, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने बिट्टू से पूछा, और कुछ लेकर आए हो, कुछ लेकर आए हो? बिट्टू कहने लगा, लेकर तो बहुत कुछ आया हूँ, लेकिन ये बारी नहीं आने देंगी, पहले मार देंगी। अब 2 चीज़ें तो फेल हो गई, जो सबसे बढ़िया थी वो फेल हो गई, अब बाकी काम करेंगी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं भी घबरा रहा था, उल्टे पैरों वाली ऐसी प्रेतनियों को भगाने के लिए मैं भी छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ, तावीज़, ऐसी चीज़ें लेकर आया था, लेकिन जो मंगल सूत्र और राखी के साथ हुआ उसके बाद निकालने में शर्म आ रही थी। अब भले ही वो प्रेतनियाँ थी, हमें मारना चाहती थी तो वो लड़कियाँ ना, और लड़कियों के सामने लड़के ऐसी हरकतें कर ही देते हैं। मुझे लगा बेइज्जत होकर मरने से अच्छा है थोड़ा मर्दों की तरह मरे ना, और मैं पीछे हटना बंद हो गया। उसके बाद मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, भले ही कितनी भी शक्तिशाली प्रेतनियाँ हो तुम, आओ एक मर्द का मुकाबला करो। और बिट्टू भी मेरे साथ खड़ा हो गया और कहने लगा, ये मेरा भाई है, इसे कुछ मैं होने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हारा मुकाबला हम दोनों करेंगे। वो हमारी तरफ भागना शुरू हो गई और बिट्टू की चीख निकली, वो डर कर अजीब हरकतें करता है। उसने झोले से हमारे वो मसाले का पैकेट निकाला और उसे छोड़ कर मारा एक प्रेतनी के माथे पर। मुझे पता है हमारे मसाले बहुत चटकारेदार हैं, बहुत लोग कहते हैं इसमें मिर्ची बहुत है, हमने इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मसाले डाले हुए हैं, उसका मिश्रण किसी को समझ नहीं आता। इन्हें भी समझ नहीं आया, लेकिन हर तरफ वो मसाले ऐसे फैल गए, उनकी चीखें निकल रही थीं, आंखें जल रही थीं, और जिसके माथे पर वो मसाले का पैकेट मारा था वो तो घुटनों पर आकर आंखें मले जा रही, उसके शरीर से धुआं निकलना शुरू हो गया था,
भाप निकलनी शुरू हो गई थी। वो बस चीखती जा रही, ये क्या है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, कुछ तो है, हमारे शरीर को जला रहा है। तभी बिट्टू कहने लगा, मिर्ची लोगों के पेट को मुंह से लेकर नीचे वाले हिस्से तक जला देते हैं, हमारे मसाले बिल्कुल खाली और स्वस्थ कर देते हैं। तुम्हारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, तुम भी स्वस्थ हो जाओगी। एक मसाले का पैकेट और मारता हूँ। वो सारी प्रीतनियाँ घुटनों पर आ गई थी और माफ़ी मांग रही थी। उनका शरीर जल रहा था, और सिर्फ मिर्ची से इतना शरीर नहीं जलता, उनके शरीर से भाप निकलना शुरू हो गई थी। उनके चेहरे भयानक हो गए थे, वो डरावनी लग रही थी, लेकिन मुझे उन पर तरस आने लगा। वो माफ़ी मांग रही थी। मौत हर किसी को उसकी औकात दिखा देती है, और उनको भी अपनी औकात दिख रही थी। भले ही वो कई लोगों को मार चुकी होंगी, या कम से कम परेशान तो कर ही चुकी होंगी, आज खुद की मौत उन्हें कमज़ोर कर रही थी। मुझे उन पर तरस आने लगा और मैंने कहा, इनकी मदद करते हैं। तभी पीछे से बिट्टू बोला, मन तो मेरा भी कर रहा था, अभी ये लग क्या रही हैं, कैसी घटिया गंदी सी बन गई हैं। अब मैं हाथ लगाने वाला नहीं, पहले मुझे लगा था इन्हें उठाकर पानी में फेंक देता हूँ, थोड़ी साफ़ हो जाएंगी, मसाले पानी से उतर जाते हैं ना, लेकिन अब मैं हाथ लगाने वाला नहीं, कितनी भद्दी नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े नाक वाली चुड़ैलें। अब बिट्टू तो उन्हें उठाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने उस प्रेतनी को उठाया और नदी में फेंक दिया। इसके बाद बाकी को भी उठा उठा कर मैं फेंक रहा था, तो बिट्टू को लगा वो पीछे न रह जाए, वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ी से उन्हें उठा उठा कर पानी में फेंकना शुरू कर गया। इस तरह उन्हें पानी में फेंका, तब जाकर उनकी ज़िंदगी बच पाई। वो नदी में तैरे जा रही थी और कहे जा रही थी, खमीनो कैसी कैसी तैयारी करके आए हो, पहले बेवकूफ़ बनाते हो, हमें लगने लगा था ये मूर्ख हैं, इन्हें आसानी से मारा जा सकता है, और अपना ब्रह्मास्त्र झोले में छुपा कर रखते हो। भगवान माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारे जैसे धोखेबाजों को भगवान माफ़ नहीं करेगा, तुम तो तड़पा तड़पा कर मारते हो। वो नदी में थी और बाहर निकल नहीं सकती थी, उनका शरीर जल रहा था। इन मसालों का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है, और हमें ये पता चल गया था कि ये तो प्रेतनिया है। वो अब चुपचाप नदी में नहाना शुरू कर गई थी, और हमें लगा हमें आगे बढ़ना होगा। हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब आगे एक गांव दिख रहा था, और हम ये जानते थे कोई भी लड़की दिखी उससे बचकर रहना है। पहले तो ढूंढना है प्रेमिकाएं कहां पर हैं, असली लड़कियां, उसके बाद ही उनसे बात करनी है। अगर ऐसी वैसी कोई लड़की पास आई तो ऐसी प्रेतनी निकलेगी। और अब अपने झोले में भी मैंने मसाले ऊपर की तरफ कर लिए थे, माथे पर मार मार कर इन्हें जला कर रख देंगे, अब सामने नहीं आने वाला कोई। उस गांव के बीच हमने देखा एक आदमी जिसके कपड़े उतारे हुए थे, सिर्फ कच्छे में था वो, उसे एक डंडे पर लपेटा गया था और बारबेक्यू की तरह घुमाया जा रहा था। इर्द गिर्द लड़कियां ही लड़कियां हंसे जा रही, और नीचे आग नहीं जलाई गई थी, बर्फ बिछाई गई थी, उस बर्फ पर ठंडा किया जा रहा था उसे घुमा घुमा कर, और वो चीखे मार रहा, वो हाय ठंडी कहे जा रहा, लेकिन उन्हें ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था, और वो बातें कर रही थी जिससे हमें समझ में आ गया ये वो आदमी था जो इनमें से किसी को पकड़ना चाहता था, उससे ढेर सारा धन इकट्ठा करना चाहता था। इस तरह वो यहाँ पर आया था और ये उससे बदला ले रही थी। 3 दिनों से भूखा प्यासा ठंड में ठिठुराया जा रहा था, उसका ठंडा बारबेक्यू बनाया जा रहा था। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बिट्टू यहाँ पर कोई बेवकूफ़ी करेगा। 40 से ज़्यादा लड़कियाँ थीं, सारी की सारी प्रीतनियाँ होंगी या चुड़ैले होंगी। बिट्टू को यह नहीं करना चाहिए था। वो छलांगे लगाता हुआ उस आदमी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गया, दोनों हाथों में मसाले के पैकेट लिए। मारूं इसे, लाशें बिछा दूंगा, जलाकर रख दूंगा। बेरहम औरतों, किस तरह से तड़पा रही हो बेचारे को। भले ही थोड़ा धन लेने के लिए आया था, किसी को अपने गुलाम बनाने के लिए आया था, लेकिन ऐसे तड़पा थोड़े ना सकती हो। मैंने सुना 3 दिनों से नंगे को इस तरह से ठंडा ठंडा घुमा रही हो, इसे गर्मी चाहिए होगी। छोड़ दो इसे, वरना यह मसाले मार मार के भून के रख दूंगा। सुपर हीरो कहा जाता हूँ अपने गाँव में।
और तभी सब गुस्से में आ गई थी। सबके चेहरे भयानक हो गए। अब पता चल रहा था कौन सी चुड़ैल है, कौन सी डायन है, कौन सी प्रेतनी है और कौन सी यक्षिणी है। वहां तरह तरह की भूतनियां थीं, कुछ उड़ रही थी, कुछ जमीन पर थी, लेकिन हर कोई डरावनी से डरावनी, और उन्हें देखकर पांव तले से जमीन खिसक गई थी। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन बिट्टू डर नहीं रहा, वो तो उन पर मसाले के वार करने वाला था। तभी पीछे से एक डायन बोली थी, तुमने कच्छा तो पहना है ना, बर्फ पर तुम्हारे भी ठंडे बारबेक्यू बनेंगे। तुम भी किसी लालच से आए होगे यहाँ, किसी को गुलाम बनाना होगा या किसी को कैदी बनाना होगा, या बस मारने के लिए आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो। उसने अपनी छड़ी जैसे ही बिट्टू के सर पर मारी, बिट्टू वहीं पर अकड़ गया। वो मसाले छोड़ नहीं पाया, उसे जैसे कैद कर लिया गया था। लेकिन फिर डायन पीछे होकर कहने लगी, ओ पागल इंसान, भाई कहाँ है तेरा, मैं तेरा दिमाग पढ़ सकती हूँ। अब मैं चुपचाप बाहर आ गया और मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए थे। मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था बिना होठों को हिलाए हुए, मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वो कहने लगी, कैसे पागल हैं ये, पता है सबको क्यों यहाँ पर आए हैं ये, इनसे पहले कोई भी ऐसा इंसान यहाँ नहीं आया। कुछ कैद करने आते हैं तो कुछ गड़े खजाने ढूंढने, किसी को अपनी जिंदगी में अय्याशी चाहिए होती है, और ये यहाँ पर ना लालच के मुद्दे से आए हैं, ना हमें कैद करना चाहते हैं। इन्होंने तो उन प्रेतनियों को मारा तक नहीं, बल्कि खुद ही नुकसान पहुंचाकर खुद ही जिंदा छोड़ दिया। क्या करने आए हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बिट्टू तब शर्माने लगा था। वो इस तरह से तभी शर्माता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है, और मैं बिट्टू को सर हिलाकर कहे जा रहा, बता मत देना, अगर तूने बता दिया ना, ये समझ जाएंगी हम भी एक लालच के कारण आए हैं, प्रेमिकाओं को ढूंढने की लालच। ये हमें ठंडे बारबेक्यू की तरह घुमाएंगी। लेकिन बिट्टू की बेवकूफ़ी, वो बोल पड़ा, हम अपने लिए प्रेमिकाओं को ढूंढने के लिए आए हैं। यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, दो ऐसी लड़कियाँ जो तुमने कैद करके रखी हैं, गुलाम बना कर रखी हैं, हम उन्हें आज़ाद करवाने आए हैं। और हम दोनों की ज़िंदगी में सिर्फ वही लड़कियाँ आ सकती हैं, हमें भविष्य बताया गया है, और इसीलिए उन्हें पाकर ही जाएंगे। तुम जो मर्जी करना चाहती हो कर लो, उन्हें तो हम लेकर ही जाएंगे। फिर उस डायन ने आगे आकर कहा, ठीक है, हम तुम्हें उनकी जानकारी दे देंगे, लेकिन उनकी जानकारी तब मिलेगी जब तुम हम सबको हराओगे, यक्षिणी, चुड़ैल, डायन, प्रेतनी, हर किसी को हराना होगा। इसके बाद बिट्टू का शरीर ठंडा होने लगा था, वो हिल सकता था और भागकर मेरे करीब आ गया। खुसर फुसर करके वो मुझसे पूछने लगा, सबसे जीत तो पाएंगे ना। फिर पीछे से डायन ने कहा, अगर नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मुंडियां लटकाएंगी हम अपने घरों के ऊपर। आए थे कुछ लफंगे लड़कियां छेड़ने के लिए, लड़कियां पटाने के लिए, उनके सर उन सब के लिए होंगे जो इस तरह लड़कियां ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे। उस बाबा ने कहा ही था मौत का खेल होगा, और अब वो मौत का खेल हमारे सामने था। अब हमने एक एक करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और सबसे पहले वो प्रेतनियां आईं। तीन प्रेतनियां हमारे सामने खड़ी हो गई थी, और जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ती, हमें पता था प्रेतनियों के साथ क्या करना है। जल्दी से उनके माथे पर हमने दो दो लिफाफे उस मसाले के मारे, और उनके शरीर जलने शुरू हो गए, वो तो जमीन पर लेट गई थी। तभी बिट्टू ने आवाज लगाई, ले जाओ इन्हें नदी में, फेंक दो नदी के पानी में, तब बचेंगी ये, हार चुकी हैं ये, लड़ना चाहती हो या मरना चाहती हो। ये कहते ही वहाँ वो उड़ती हुई चुड़ैलें उन्हें नदी में फेंक कर आ गई। अब प्रेतनियों से जीत चुके थे, अब थी बारी चुड़ैलों की। अब वो दो चुड़ैलें थीं, हम दोनों को उठा उठा कर फेंक रही थी। वो तो उड़ सकती थी, हमें नोच सकती थी, उनके बड़े बड़े नाखून और उनकी जहरीली आंखें,
उनकी आंखों में जैसे ही हमारी नज़रें पड़ती हमारी टांगें कांपने लगती, जैसे उनकी आंखों का असर हमारे शरीर पर हो रहा हो। बार बार शरीर कमज़ोर हो रहा था, वो आंखों से शक्ति खींच रही थी तो मैंने आंखें नीचे कर ली। फिर भी वो उड़कर हमें उठाती और फेंकती, हमारे कपड़े भी फाड़ने पर उतारू थी वो। कपड़े पीछे से फट चुके थे, नाखूनों ने चेहरे पर निशान बना दिए थे और उड़ती हुई दोनों हंसती हंसती कहने लगी, इन्हें तो नाखून गले में गड़ा कर मारेंगी, तड़पा तड़पा कर मारेंगी। इसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें बताया जाता था चुड़ैलों का निवारण एक तरह से होता है, चुड़ैलों के बाल, उनके बालों में शक्ति होती है और उन बालों को कैद करना पड़ता है। जैसे ही चुड़ैलें आईं मैंने उंगलियां उनके बालों में घुसेड़ डाली, उनके बालों को खींच कर तोड़ डाला था, जिससे वो दोनों एक एक करके चीखी थी, गुस्से में आई थी। और उन बालों को एक काले धागे में बांध कर मैंने एक पेड़ के साथ बांध दिया और वो चुड़ैलें उड़ती हुई उस पेड़ से चिपक गई। वो गोंद की तरह चिपकी थी, जैसे गोंद पेड़ से उतरा हो। अब वो हिल नहीं पा रही थी और बिट्टू छलांग लगाकर कहने लगा, ये मेरे भाई ने चुड़ैलों को मात दे दी, अगली आओ अगली आओ, भैया पीठ पे कुछ लगा दो, काफ़ी जलन हो रही है। अब हमारे सामने डायन आ गई थी और हंसती हुई डायन कहने लगी थी, मैं अर्ध मृत्यु डायन हूँ, मुझे मौत नसीब नहीं हुई है अभी तक, लेकिन मेरी शक्तियाँ तुम्हें बदल कर रख देगी। उसके हाथ में छोटी छोटी बोतलें थी पानी की और वो कमज़ोर बोतलें पानी की हमारी तरफ छोड़ छोड़ कर मार रही थी। जैसे ही वो बोतलें ज़मीन पर टकराती वहाँ धुआं सा निकलता और वहाँ जैसे कुछ अलग सा होता, कभी तो घास चलती तो कभी आग निकल आती, कभी कभी वहाँ अपने आप पेड़ उगता तो कभी कीड़े भिन भिन आने लगते। वो बोतलें अगर हमारे ऊपर गिरती ना तो हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं थी अपने झोले से बिट्टू ये निकालेगा। उसने गोल गोल पहाड़ी पत्थर अपने झोले में भर रखे थे और जैसे ही पहला पत्थर निकाल कर उसने वो पक्का निशाना मारा ना उस डायन के माथे पर, वो डायन घुटनों पर आ गई थी और चीख रही थी, ओ कमीनो कमीनो, कितनी जोर से पत्थर मारा है। इससे पहले कि वो उठती बिट्टू ने घुमाकर एक और पत्थर उसकी एक खोपड़ी की तरफ मारा। एक तरफ की खोपड़ी में जब पत्थर टकराया वो दर्द से करहने लगी थी और वहीं हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं हार गई मैं हार गई। उसका जादू काम नहीं किया था, डायन की शक्ति बाहर आ ही नहीं पाई, बिट्टू के पत्थर पहले बाहर आ चुके थे। इसके बाद वो डायन भी पीछे हो गई। अब थी वहां पर दो यक्षिणियां, बेहद सुंदर यक्षिणियां जिनका भयानक रूप अब तक सामने नहीं आया था, मुस्कुराती हुई सामने आ गई थी। एक मेरी तरफ देखे जा रही, एक बिट्टू की तरफ देखे जा रही और मेरी तो टांगें कांपने लगी थी। 5 मिनट तक उन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन उनके हाथ पीछे थे, जरूर उनके हाथों में कुछ था। उन हाथों से वो कुछ भी कर सकती थी, छिपा कर कोई हथियार मारेंगी। यक्षिणियाँ क्या क्या कर सकती हैं किसी किताब में पूरी तरह से पढ़ाया नहीं जाता। कहते हैं जब यक्षिणी सामने आती है तो आपके साथ या तो अच्छा करती है या बुरा करती है, अब ये क्या करेंगी। और यक्षिणियाँ इतनी सुंदर होती हैं मुझे पता नहीं था। लेकिन एक खास बात जो बिट्टू ने नोटिस नहीं की मैंने नोटिस कर ली थी, इन दोनों ने चोटियां अलग अलग बनाई हुई थी, एक की 2 चोटियां, एक की 1 चोटी, एक ने ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, एक ने कम मेकअप किया हुआ था, एक ने जैसे चेहरे पर कुछ निशान बनाए हुए थे, एक ने नहीं बनाए हुए थे। दोनों के चेहरे एक जैसे, भले ही लड़कियां जितना मर्जी मेकअप कर लें उनके अंदर का नूर पता चल ही जाता है। अब वो सुंदर सिर्फ मेकअप के सहारे लग रही थी, अंदर से दोनों एक जैसी, यानी कि जुड़वा। इससे पहले कि बिट्टू कोई पत्थर निकाल कर उनके सर पर मारता मैंने बिट्टू को रोका और कहा, हम इन पर वार नहीं करेंगे। सारी चुड़ैलें हमारी तरफ देखने लगी थी और हैरान हो चुकी थी।
इसके बाद उन चुड़ैलों ने उन डायनों ने घेरा डाल लिया और कहने लगी, बताओ तुम हार मानते हो? और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हार नहीं मानता, लेकिन मैं उस पर वार नहीं कर सकता जिनको ढूंढते हुए हम आए हैं। ये कोई यक्षिणियाँ नहीं, ये वो लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर कैद करके रखी गई हैं। गुलाम हैं ये, और हम इन्हीं को आज़ाद करवाने आए हैं, इन्हीं से शादी करेंगे हम। हर तरफ उनकी खुसर फुसर होने लगी थी। इसके बाद वो दोनों भी पीछे हो गई और वो डायने उनके आगे आ गई थी। कैसे पहचाना तुमने? तुम सच में लगते बेवकूफ हो, लेकिन शातिर बहुत हो। बेवकूफ होने का बहाना कर रहे हो। तुम चाहते क्या हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने हंसते हुए कहा, अब सच जानने का समय आ गया है। हमारी कुंडली में कोई लड़की लिखी ही नहीं, हमें कोई पसंद ही नहीं करता, इसलिए हमने आस छोड़ दी थी कि हमारी शादी होगी। वो तो मसाले बेचते बेचते गांव तक पहुंचे। बाबा ने कहा, तुम्हारी किस्मत में दो लड़कियां लिखी हैं, लेकिन वो दो लड़कियां मौत के करीब हैं। उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और सच में ये बहुत सुंदर है, सच में ये लड़कियाँ ही हैं जो जुड़वा हैं। हम भी जुड़वा, आखिर हमारी ही तो जोड़ी बन सकती है। अब सच आपको पता चल चुका है, ये आप पर निर्भर है। आप इन्हें गुलामी से निजात दिलाएंगी या नहीं? कुछ समय खुसर फुसर करने के बाद वो डायन, जिसका सर सूजा हुआ था, चलती हुई आगे आई और कहने लगी, देखो पहला शब्द गुलाम, हमने इन्हें गुलाम बनाकर नहीं रखा। ये जुड़वा बहनें जो काफ़ी छोटी थी, उन्हें कोई फेंक गया था कूड़ेदान में, मैंने उठाया था इन्हें। मैं डायन थी, शक्तियाँ चाहती थी, मुझे लगा था इन बच्चियों के बड़े होने पर इनकी जवानी चूस लूँगी। लेकिन जब इनके साथ रहना शुरू हुआ तो ज़िंदगी का मकसद भी जान पाई। यहाँ पर टोलियों में आई शक्तियाँ, चुड़ैलें, डायने, यक्षिणियाँ, अलग अलग शक्तियाँ आईं, लेकिन इन्हें अपनी बच्चियों की तरह पाला। हम भी चाहते थे कि इन्हें एक आज़ाद ज़िंदगी मिले, लेकिन दुनिया बेरहम है, लड़कियों को पसंद ही नहीं करते। छोटी लड़की पैदा होने पर उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। कैसी दुनिया है, कैसे जाने दे हम इन्हें उस दुनिया में जो इतनी बेरहम है। क्या होगा इनके साथ, कैसे करती किसी पर भरोसा? अब तुम पर भरोसा भी कैसे करें, तुम्हें भरोसा जीतना होगा। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया था और कहने लगा था, करो शक्तियों का इस्तेमाल, पढ़ लो दिमाग, पढ़ लो हमारा भविष्य। हम बुरे हैं तो मार दो हमें। हमने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे किसी को नुकसान हुआ। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, भले ही कुछ गरीबी में जीते हैं, लेकिन इज्जत से रहते हैं और किसी को बुरा करने नहीं देते। बातों बातों में जैसे भरोसा जीत लिया था उनका। वो सब हंसने लगी थी। जिनका गुस्सा चेहरे पर था, उनका वो भयानक चेहरा अगर खूबसूरत हो जाए, समझो वो आपको पसंद करने लगी हैं। चुड़ैलें डायने खुश थी, उनकी बच्चियाँ पहली बार उस दुनिया में जाने वाली थी हमारे भरोसे, और हम उन्हें जीत चुके थे, ना सिर्फ इस युद्ध में, इस लड़ाई में, बल्कि प्यार में भी। जब हमने सबको हराया, वहाँ खड़ी होकर वो हमारी तरफ देखे जा रही थी, हमारी बहादुरी से मोहित हो गई थी। पहली बार उन्होंने भी लड़के देखे थे जो उन्हें अच्छे लगे थे, बाकी तो सब यहाँ गुलाम बनाने के लिए आते थे। उन डायनों ने, उन चुड़ैलों ने उन्हें हमारे साथ जाने दिया, और हमने भी वादा किया, मंदिर में शादी करेंगे और हमेशा इन्हें अपने साथ रखेंगे। इसके बाद एक डायन जो अधमरी थी, ना उसे मौत नसीब हुई थी, ना वो जिंदा कही जा सकती थी, वो इस दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकती थी, और वो हमारी सास बनकर आई थी। उसने कहा, मैं भी उस गांव में ही रहूँगी, पास में रहूँगी, देखती रहूँगी मेरी बच्चियाँ खुश हैं या नहीं। इसके बाद हम उनके साथ चल पड़े अपने गांव की तरफ। दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी, हम पहचान नहीं कर पा रहे थे, बस एक ही पहचान थी। एक जब हंसती थी बिल्कुल बिट्टू जैसी लगती थी, और दूसरी समझदार थी। मुझसे समझदार ने प्यार किया था, और हंसने वाली ने बिट्टू से प्यार किया था।
जोड़ी कमाल की बनी थी। हमने उस गांव के मंदिर में शादी की थी। उसके बाद वो सास हमारे साथ ही चली थी। वो हमारे गांव तक आई थी और माता पिता को हमने सब कुछ बता दिया। बस भूतिया बातें नहीं बताई, बाकी तो सब कुछ बताया। इस तरह अब भी हम उनसे प्यार करते हैं और वो दोनों बहनें हम दो भाइयों से विवाहित हो चुकी हैं। हमारी सास भी हमारे गांव में रहती है और एक महीने बाद एक और राज खुला था। मैंने उससे पूछा था, आखिर उस बाबा को कैसे पता कि उस भूतिया दुनिया में दो लड़कियां हैं? तो हमारी उस सास ने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरा भाई है वो, बचपन में हम इकट्ठे रहा करते थे, वो सन्यासी बन गया, मुझे कुछ और दिखा नहीं, मैं डायन बनने के लिए निकल पड़ी। कभी कभी उसकी याद आती थी तो मैं भी पहाड़ों में पहुंच जाती थी और उसका ध्यान भंग कर देती थी। वो गुस्से में मुझे पीटने के लिए आता था, मैं फिर से इस दुनिया में आ जाती थी। एक सन्यासी इस दुनिया में नहीं आ सकता था क्योंकि वो चुड़ैलों का सामना नहीं कर पाएगा। वो सन्यासी अपनी खुशी के लिए उस दुनिया में रहा। मेरा भाई अब भी मुझसे जलता है। मैंने अपनी बेटियों को पाला और शादी कर दी और वो जहाँ भी है उसे तंग करने के लिए मैं दोबारा जाऊंगी। ये वो कहानी है जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हमने अपनी जिंदगी बदल ली और इस घटना के एक महीने बाद एक और बात का पता चला था। वो चोर भी पकड़ा गया जो घर से चोरी किया करता था। आपको पता है वो कौन था? वो एक काल प्रेत था। जब हमारे गांव के पीछे उस किले में हम गए थे, वहां से काल प्रेत हमारे साथ आ गया। वो हमारे घर में रहता और वो खजाना इकट्ठा करने वाला काल प्रेत था। घर से सोना, चांदी, पैसा सब चुरा कर उस किले में दफना दिया करता और हमारी उस सास ने किले से हमें वो खजाना भी ढूंढ कर दिया था और हम दोबारा से धनवान बन गए। अब उस चोर को हमने उस किले में बांध रखा है और हमारी सास उसके सर पर बैठी रहती है। दोस्तों, मुझे पता है काफ़ी अजीब सी कहानी है। ज़िंदगी ऐसी ही तो होती है, बहुत अजीब सी। हर दुनिया, हर ज़िंदगी में कुछ अजीबोगरीब होता है। हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो आप भी एंजॉय करिए।